जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि नीतीश फिर से पलटी मारकर बीजेपी के पाले जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी किसी संभावना से इनकार किया, लेकिन एक बार फिर अपने उस बयान को दोहराया जिसमें वो जेडीयू के कमजोर होने की बात कर रहे हैं। कुशवाहा का कहना है कि पार्टी और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और वो हर मुश्किल वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि उनके बयान पर नीतीश कुछ कह नहीं रहे। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। शुरुआती दौर में समता पार्टी के समय लव कुश की ताकत, फिर अति पिछड़ा पिछड़ा भाइयों की ताकत, और फिर बाकी समाज के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों की आशा उम्मीद बंधी। और नीतीश कुमार जी को इसलिए ताकत की जरूरत थी और आज भी है। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए, जो मन में आवे बोलते रहे, वहीं से पूछिए। कोई कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ